में सर्च कर करके थक गए हो नी न्यू गेम्स फॉर पीसी प्लेटफॉर्म, तो भैया बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 10 फ्री टू प्ले पीसी गेम लेके आया हूँ। तो वीडियो छोड़ के जाना मत, क्योंकि इनमें से काफी सारे दोस्तों जो ट्रिपल ए गेम्स आज की डेट पे हम खेल रहे हैं उस टाइप के गेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एंड इन सभी गेम्स का ग्राफिक क्वालिटी दोस्तों नेक्स्ट लेवल का, ऐसे तो कुछ गेम दोस्तों GTA 5 रोल प्ले जैसे हैं। तो अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई घर के आ रहे हो, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो, जो बाजू बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, क्योंकि जैसे कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, जो मेरा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द फर्स्ट डिसेंडेंट। एंड द फर्स्ट डिसेंडेंट की बात करें तो एक थर्ड पर्सन शूटिंग एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, पब्लिश किया गया नेक्सॉन गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए, ये आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी सारी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो दोस्तों गेम फ्री टू प्ले, आप स्टीम में इस गेम को आराम से जाके प्ले कर सकते हैं। की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर क्रिएचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, तो बेसिकली आपको अटैक करना पड़ता है एंड अपने प्लैनेट को सेव करना पड़ता है। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं जिनके पास अपने हिसाब से अलग अलग टाइप की एबिलिटी के पावर रहते हैं। गेम काफी एक्शन से भरा हुआ, आपको जरूर से इस गेम को प्ले करना चाहिए। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों नेक्स्ट लेवल का है। इस टाइप का फ्री टू प्ले गेम दोस्तों आपने कभी नहीं खेला होगा, जरूर से इस गेम को ट्राई करना। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो बल्कि इस रैम की बात करें तो मात्र 6 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 2 GB के आसपास ग्राफिक कार्ड्स होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो i5 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द फाइनल्स। एंड दोस्तों तो फाइनल्स की बात करें तो इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया एम्बार्क स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वेल गाइस, गेम फ्री टू प्ले है। GTA 5 टाइप के रोल प्ले गेम को खोज रहे हैं जो कि फ्री टू प्ले है, तो भैया द फाइनल सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि इसमें आप सेम एज इट इज प्ले में अपने को पूरा मैप देखने को मिलता है ओपन वर्ल्ड, तो इस गेम में भी आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाता है। इस पर आपको रोल प्ले मोड देखने को मिलता है, बैटल रॉयल मोड देखने को मिलता है, काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। लाइव लोकेशन में यहाँ पर आप फाइट करते हो या मिशंस कंप्लीट करते हो तो काफी मजा आने वाला है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 2 GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 40 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करा है इस गेम को प्ले करने का तो नीचे लिंक है, आप वहां से इस गेम को प्ले कर सकते हैं। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आर्क रेडर्स। एंड आर्क रेडर्स की बात करें टू प्ले एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया एम्बर स्टूडियोज के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें पर आपको अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपके एनिमी से, क्योंकि वो आपके आइलैंड पे पूरा तोड़ फोड़ एंड कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। फिर सर इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिलेंगे। एंड सच बताऊँ तो दोस्तों इस गेम का स्टोरी लाइन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। गेम मल्टीप्लेयर है तो अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ इस गेम को आराम से प्ले कर सकती हो। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, को खेल के पूरा मजा आने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 8 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें भी नहीं है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो 5 MB में आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 3 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करे इस गेम को प्ले करने का तो नीचे लिंक है एंड इस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। और फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम हाइप स्क्वाड। एंड दोस्तों हाइप स्क्वाड की बात करें तो एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट गेम है आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए एंड ये फ्री टू प्ले गेम है। टीम से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है मार्वल एंड 2 के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। नाइट खेलते हो, पबजी पीसी खेलते हो तो सेम एज इट इज दोस्तों वही कंसेप्ट का यहाँ पर आपको गेम देखने को मिलता है। ये बैटल रॉयल गेम है। जी हाँ दोस्तों, इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर, सिंगल प्लेयर, इनफैक्ट इसमें आपको काफी सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिनका अपने हिसाब से अलग अलग एबिलिटीज पावर रहते हैं। एंड दोस्तों इस गेम में आपको काफी सारे अच्छे वेपन्स
देखने को मिल जाते हैं। गेम का मैप काफी बड़ा है, इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। नया बैटल रॉयल गेम खोज रहे हैं आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी हाई है दोस्तों, एंड इस गेम का साइज भी कम है दोस्तों, ये आपके मिड रेंज वाले पीसी या लैपटॉप में आराम से चल जाएगा। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 2GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इस गेम को प्ले करने का तो कूद फान के जाओ, नीचे लिंक है, इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। लेकिन जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है वर्ल्ड एक्सपर्ट। एंड दोस्तों वर्ल्ड एक्सपर्ट की बात करें, 2023 का एक काफी पॉपुलर फ्री टू प्ले वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया कोरिया क्रॉप गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम दोस्तों टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस्ड है, बैटल रॉयल्स गेम खेलेंगे दोस्तों उनमें से ये काफी नेक्स्ट लेवल का और एक काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाला फ्री टू प्ले गेम है दोस्तों। इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात लगता है ये लगता है दोस्तों, गेम टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस्ड है, तो जब आप मैच खेलोगे तो भैया काफी मजा आने वाला है, पूरा एक्शन से भरा हुआ यहाँ आपको पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो GTA 5 रोल प्ले से भी मैच करता है, तो आपको इस गेम को जरूर से एक बार प्ले करना चाहिए। अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है, फ्री टू प्ले गेम में अपने को काफी कमी देखने को मिलते हैं। तो गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मात्र 8GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 2GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो ये i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा फाइटा वाइटी कर लिया जाए तो कूद फान के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। ये जो मेरा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है वॉलेंडर। एंड दोस्तों वॉलेंडर की बात करें, गेम को डेवलप किया गया लॉजिक गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2023 को, तो काफी न्यूली फ्री टू प्ले गेम है दोस्तों। गेम की बात करें तो गेम में बेसिकली आप इग्नेंट आर्मी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा दोस्तों वॉरियर्स प्लेयर के साथ आपको फाइट करना पड़ता है, मतलब जो आपके अपोनेंट रहते हैं, बैटल फील्ड होता है दोनों के बीच में। काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो भैया जो भी आप कैरेक्टर सेलेक्ट करोगे उसके पास एक अपना खुद का पावर मजा आने वाला है दोस्तों इस गेम को आपको प्ले करके। एंड बेसिकली इस गेम का यही है स्टोरी लाइन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने अपोनेंट गेम की जो टीम रहता है उसे डिफीट करना रहता है, उनके कैसल में जाके आपको कैप्चर करना पड़ता है, तो काफी मजा आने वाला। जो एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, पर काफी सारे वेपन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है, जरूर से इस गेम को प्ले करना चाहिए। गेम टोटली फ्री टू प्ले है, आप स्टीम में जाके इस गेम को आराम से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 2GB नीड है दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें i3 में गेम नाम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के। तो अगर आपका मन करा चलो यार थोड़ा फाइटा वाइटिंग कर लिया जाए तो कूद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा सेवंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डिज्नी स्पीड स्टॉर्म। डिज्नी स्पीड स्टॉर्म की बात करें अनलिमिटेड हीरो बेस्ड कॉम्बैट रेसिंग गेम है, जहां पर आप डिज्नी के हर एक कैरेक्टर के साथ यहां पर आपको रेसिंग करना पड़ता है। एंड इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो आप अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर में खेल सकते हो। गेम की बात करें तो गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है गेमलॉफ्ट के द्वारा। एंड इस गेम में आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट टाइप ऑफ मिशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसे कंप्लीट करके आपका भाई आपको कतई काफी मजा आने वाला है। गेम में आपको अलग अलग टाइप से हाई क्वालिटी कार्ड्स देखने को मिलेंगे। अब तक रिलीज नहीं हुआ है इस गेम का, रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट क्या पता 2023 में ये गेम अपने को फ्री में खेलने को मिल जाए। तो गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा, स्पेस की बात करें 20GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को देख लिया जाए भैया कब रिलीज हो रहा है क्या, तो नीचे लिंक है, वहां से आप इस गेम को चेकआउट कर सकते हैं। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एट्थ गेम के ऊपर। क्या आता है उस गेम का नाम ऑपरेशन हैश डोस्टॉप की बात करें तो डेवलप एंड पब्लिश किया गया डार्क लीनिंग लैब्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को रिलीज किया गया तो 16 फरवरी 2023 को, तो गेम दोस्तों टोटली न्यूली गेम है। एंड ये गेम में आपको वो हर एक चीज देखने को मिलते हैं जो कि आप एक शूटर गेम में खोजते हो। इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर मिशन देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, मल्टीप्लेयर सर्वर देखने को मिलते हैं, एंड इस गेम में आप टीम वर्कशॉप देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये सभी
चीज प्रीमियम गेम्स में हमें देखने को मिलती है, तो भैया ये टोटली फ्री टू प्ले गेम है दोस्तों। जो एनवायरमेंट देखने को मिलेगा गेम का वो टोटली ओपन वर्ल्ड है। कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स खेलते हो एज इट इज सेम गेम है दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। गेम की सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि फ्री टू प्ले गेम है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है, जरूर से इस गेम को ट्राई करना। क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 8 GB होना चाहिए एंड दोस्तों इसको आप 4 GB में भी आराम से खेल सकते हो अगर आपके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो i3 का होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 2 GB के आसपास आपके पीसी या लैपटॉप पे ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए, इतना तो भाई रहता ही है। और स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस का है इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो थोड़ा फाइटर बाइटी कर लिया जाए, थोड़ा सोल्जर वोल्जर बन लिया जाए, तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कार्ट राइडर ड्रिफ्ट। डिज्नी स्पीड स्टॉर्म को के लिए वेट नहीं कर सकते भैया, हमको तो ऐसा टाइप का गेम खेलना ही है। कार्ट राइडर ड्रिफ्ट सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम ग्राफिक्स एंड सेम मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो आपको कार देखने को मिलते हैं, जो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, वो भी यहां पर आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। फ्री टू प्ले क्रॉस प्लेटफॉर्म कार्ट रेसिंग गेम है दोस्तों एंड ये आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। ट्राई करो सेम एट इज जो मोड्स अपने देखने को मिलते हैं मल्टीप्लेयर मोड्स, यहां पर आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। काफी अलग अलग टाइप्स के यहां पर व्हीकल देखने को मिल जाते हैं बट यहां पर कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, यहां पर आपको अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो वो डजंट मैटर दोस्तों, अपने को अच्छा गेम खेलने को मिल रहा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 2 GB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30 GB के आसपास स्पेस खाली रहा इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है क्रॉश आउट। एंड क्रॉश आउट की बात करें जहां पर आपको व्हीकलर कॉम्बैट देखने को मिल जाती है, यहां पर आपको अपने कस्टम बिल्ड व्हीकल से बैटल करना पड़ता है। यहां पर आपको जो मिशन दिए जाते हैं उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। यहां पर सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि अपने व्हीकल को आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके अंदर आर्मर वेपन्स एंड काफी सारे और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं दोस्तों। वो काफी यहां पर आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। इट्स मीन ये टोटली ओपन वर्ल्ड यहां पर आपको मैप देखने को मिल जाता है। वो हर तरह से आपके ऊपर एनिमी पर हमला करेगा एंड उनसे आपको बचते बचाते मिशंस को कंप्लीट करना। जैसे जैसे आप यहाँ पर आप फाइट्स को विन करते जाओगे अपने व्हीकल्स को यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब और भी हैवीली बना सकते हो। एंड इस गेम ग्राफिक्स क्वालिटी का क्या कहना है, नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 12 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। यही कुछ 10 फ्री टू प्ले गेम थे आपके पीसी या लैपटॉप के लिए। ये गेम पसंद आए होंगे, पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद आया। टू प्ले या टॉप 10 गेम खोज रहे हैं तो भैया हमारे चैनल पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इनमें से अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट से, वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल प्ले कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।